नमस्कार। सौभाग्य हमारा कि हम आपसे बात कर रहे हैं। हम उस पावन धरती पे हैं जहां आपने आज के कवि सम्मेलन को आगाज़ दिया, माँ सरस्वती को याद करके। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इतना खूबसूरत आपकी आवाज़ है जो माँ सरस्वती ने आपको प्रदान की है। और कवि जो है कहते हैं हर जगह हर स्थान पे पहुंच सकते हैं, हैं आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आप जो है इंस्टेंट, आपको कोई भी मतलब तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं, जिस मौके पे आपको खड़ा करें आप उस विषय पे बात कर सकती हैं। मेरा सौभाग्य कि मैं आपसे इस विषय पे बात कर पा रही हूँ। आपने एक जो आज नज़म पढ़ी है, इट वॉज सो क्लोज, लाइक कितना मतलब हम जो बात कर रहे हैं, जो आपकी इंट्रोडक्शन दी गई, लास्ट जो आपकी नज़म थी जो आपने पाकिस्तान एम्बेसी में दिल्ली में पढ़ी है, इट वॉज नॉट योर हार्ट। आपने खुद ही बोला कि वो मेरे हृदय की नहीं, मतलब लाइक आप लोगों के हृदय पर मेरी कलम से जा रही थी। तो ये भाव जो हैं आसान नहीं है, और आप उस भूमि से हैं, भारत से, जिसको हम सब नमन करते हैं। आपने सबके चेहरे देखे जब आप वो पढ़ रही थी, तो मैं चाहती हूँ पहले तो यहाँ के जो श्रोता थे उनके विषय में कुछ कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज़ नसीम आप सबको सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच में आई, IHA के इस खूबसूरत सी महफिल का हिस्सा बनी। और जहाँ तक उस नज़्म की बात है, मेरे जहन में ये एक टॉपिक बहुत बचपन से था, जब देखते थे या पढ़ते थे और सुनते थे तो हमेशा से एक चुभन रहती थी कि ऐसा क्यों होता है, जो लोग अपनी मर्ज़ी से हमारा ये खूबसूरत मुल्क छोड़कर चले गए, उनके लिए हम उनसे हमारा क्या ऐसा ताल्लुक़ है कि वो हमसे क्यों शिकायत करते हैं, उनको क्या ऐसी परेशानी है जो वो हमारे और उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाते हैं। तो मैंने इसको लिखने का सोचा, लिख लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं थी क्योंकि थोड़ा डर भी लगता था, जिस तरीके का माहौल बन जाता है तो थोड़ा डर लगता था कि कहीं, लेकिन ये मौका मुझे मिला इंडियन एम्बेसी में, और मैंने जब इसको पढ़ा उन्होंने, तो आप यकीन माने कि जहाँ जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे वो पाकिस्तान के हों, हिंदुस्तान के तो बहुत पसंद करते ही हैं, लेकिन उन्होंने भी सब ने खड़े होकर तालियाँ बजाई। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये पॉलिटिकली एक इशू बनाया गया है और हम सब लोगों को अलग करने की एक साजिश है, उसी की वजह से इन लोगों के जो धंधे हैं, कारोबार हैं, वो चलते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों। तो आवाम कहीं की बुरी नहीं होती है, बस उसको रास्ते से भटकाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो असली मुद्दों से हट जाए और जो उनके बनाए हुए मुद्दे हैं उन पर ही बहस करे। तो अगर आप अच्छी बात लिखने के बारे में सोचें और उसको जनता तक पहुँचाने की हिम्मत रखें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि जनता उसको एक्सेप्ट ना करे, वो उसको बहुत खूबसूरती से अप्रिशिएट भी करती है और उसको समझती भी है। तो ये नज़्म मेरे लिए एक ऊपर वाले का गिफ्ट है, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी मुझे अच्छे लोग मिलें, इंटेलेक्चुअल लोग मिलें, क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता, ये भी बात है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़रूर पढ़ूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर भी मुझे मौका मिला और मैंने इस नज़्म को पढ़ा और आपने देखा कि स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिली और सब लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं, तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। भारत के युवा के लिए और यहाँ जो भारतीय डायस्पोरा है उसके युवा के लिए आपका संदेश एक महिला कवित्री के नाते? देखिए, भारतीय युवाओं के लिए तो मेरा संदेश ये है कि आप लोग यहाँ के युवाओं को देखें, यहाँ का जो कल्चर है वो आप लोगों ने किस तरीके से संभाल के रखा हुआ है, कि आप अगर हमारे यहाँ कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ रहते हुए दूसरे मुल्क में अपनी मातृभाषा को याद करते हैं, संजोते हैं, अपने बच्चों को तरबियत देते हैं कि भाई आप कोई भी ज़बान बोलो, चाहे वो किसी भी, आप जिस भी मुल्क में हैं उसकी ज़बान को अच्छे से आप बोलें, आप उसको सिखाएं, लेकिन आप लोगों के अंदर मैं ये जब देखती हूँ कि आप अपनी मातृभाषा के लिए जितने ज़्यादा मुझे उत्साहित लगते हैं और जितने ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक जोश रहता है, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश सीखें क्योंकि उनको दुनिया में जो है वो कामयाबी हासिल करनी है और उनको आगे बढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मातृभाषा को अगर पकड़ के अपने संस्कारों को, अपने आप को आप संजो के रखेंगे, तो भाषा कोई भी हो,
भाषा दिल की भाषा होती है और वो लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। तो मैं कहती हूं कि आप लोगों से सीखना चाहिए और इस तरीके की महफिल जैसे आप करते हैं, बच्चों को लाते हैं, बच्चों को मौका देते हैं कि वो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, हिंदी पढ़ाई जाती है स्पेशली, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं चाहती हूँ ये माहौल वहाँ भी होना चाहिए कि हम इंग्लिश सीखें लेकिन अपनी मातृभाषा को बचा के रखें। अभी तो आजकल विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के प्रधानमंत्री आते हैं वो हिंदी में ही बोलते हैं, हैं और सब कुछ अवेलेबल है, यू नो, ट्रांसलेशन एंड ऑल आज के युग में। सो आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने जो अजीज वर्ड है, जो उसने आपको, आपने जिस उसको जैसे एलेबोरेट किया है, जैसे अपनी नज़म में आपने यूज़ किया है, बस देखिए मैंने इसीलिए वो जो मेरी दो लाइनें हैं अगर वो ऑडियंस की पकड़ में आ जाती हैं तो उसी से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात आप लोगों तक पहुंच पाएगी। तो वो अजीज़ क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम साहित्य को समझकर और सोचकर बोलने वाले लोग हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ता है कि ऐसा कौन सा एक लफ्ज़ लाया जाए जो जिसमें बात भी कही जाए और किसी के दिल आजारी भी ना हो, किसी को बुरा भी ना लगे, तो बात भी कह जाती है लेकिन अजीज के लेकिन हाँ वो कवर हो जाती है। तो ये जो है वो एक कोशिश थी जो मुझे लगता है कामयाब हुई है कुछ हद तक, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से मुझे मोहब्बतें मिलेंगी और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू so much. Thank you so very much. Wish you all the best for the rest of your life.